दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के एचटीएमएल के वीडियो में देखेंगे हम एंटिटीज सिंबल इमोजेस, वो एचटीएमएल में कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कोड है और ये आउटपुट है। तो पहले आपको एक बेसिक चीज याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पहले आपको क्या करना है, एंड पर्सन करना है और हैज देना है और सेमी कोलन, इसके बीच में जो भी कोड आएगा ना वो एंटिटीज होगा। ठीक है, ये सेव करके रिफ्रेश कर दे, कुछ आया नहीं आया, ये देखिए आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ चुका है। तो इसे कोड कहाँ पे मिलेंगे, इसका कुछ कलेक्शन तो होगा ना, तो कहाँ से उसको उठाते, चलिए चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं और मैं लिखता हूँ गूगल में HTML entities, HTML entities। ठीक है, जब HTML entities लिख दूंगा तो यहाँ पे ये लिंक को ओपन कर लेना। तो मेरे पास HTML के जो भी स्पेशल कैरेक्टर है उसकी लिंक आ चुकी है। तो देखिए उसका ये कोड है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये उसके नंबर है, वहाँ से आप क्रिएट इसे कर सकते हो। तो कॉपीराइट का है तो कॉपीराइट का मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये देखिए। ठीक है, यही था ना, पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था एंड पर्सन करना है, हैज करना है और कोड लिख के सेमी कॉलन। ओके, चलिए समझाता हूँ आपको। तो ये थी HTML एंटिटीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं HTML के सिंबल। ये देखिए यहाँ पे साइड में लिंक है HTML के सिंबल की। तो सिंबल में देखिए आप, ये उसके नंबर है। ठीक है, यहाँ पे फुल मैथ सिंबल रेफरेंस है, फुल ग्रीक रेफरेंस है। यहाँ पे आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे करेंसी रेफरेंस को मैं भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगी, मेरे पास अभी सिर्फ कोड आ गया है, डेसिमल कोड। ठीक है, तो डेसिमल कोड को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करते देखते आया कि नहीं आया, ये देखिए आ चुका है। ठीक है गाइस, तो जो यहाँ के कोड है तो कोड के आगे हमें लगाना है हैज, ये एंड पर्सन और हैज। ठीक है, और कोड लगाने के बाद सेमी कॉलन। तो चलिए दूसरे को कॉपी करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने करेंसी सिंबल ले ली है। तो इसके बाद आते हैं इमोजेस, HTML इमोजेस लिखा है। आप गूगल में डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये फुल HTML इमोजेस में जाते हैं अभी, ये देखिए अभी है यहाँ पे। तो हमें HTML इमोजेस में ये चाहिए, तो इसका ये कोड है उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और एंड पर्सन और हैज के बाद में इसे लगा देते हैं और कॉमा। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आ चुका है। तो अभी मैंने जूम किया है इसलिए, ये तो अभी तो छोटे छोटे ही है, इसको मैं जूम करता हूँ तब भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये थी HTML एंटिटी सिंबल एंड इमोजेस। यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड बार में सभी है, ये देखिए एंटिटीज है, सिंबल और इमोजेस। ठीक है गाइस, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फ्रेंड्स, जय हिंद।